हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट फ्लेवर केक एगलेस स्ट्रॉबेरी केक। पर केक बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को भी लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1/3 कप ऑयल लेंगे, 1/3 कप दही लेंगे, 1/2 कप प्लस 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1 TSP स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे और वापस एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसी बाउल में एक छन्नी रखेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे, थोड़ा सा चुटकी नमक, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद अब हम एक स्पैचुला लेंगे और इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करते डालते जाना है और इस बैटर को मिक्स करते जाना है। अब सारा दूध हमने इस बैटर में डाल दिया है तो आप देख सकते हैं कि यह बैटर की कंसिस्टेंसी अब ऐसी है। अब हम इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स पिंक कलर के ऐड करेंगे और एक बार वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक 6 इंच का बेकिंग टिन लिया है, उसे बटर पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लिया है और ऑयल से भी ग्रीस कर लिया है। अब हम इस बैटर को इस टिन के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इस टिन को अब हम टैप भी करेंगे और इसे 180 डिग्रीज पे बेक करने के लिए अवन में 40 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये केक अब अच्छी तरह से बेक करके हो चुका है और इसे मैंने ठंडा करने के लिए 2-3 घंटे के लिए टेबल पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कितना इजीली डीमोल्ड हुआ है और ये बना भी कितना सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इस केक को लेयर्स में कट करेंगे। सबसे पहले हम जो केक का ऊपर का पार्ट होता है उसे हम निकाल देंगे। अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट करूंगी, आप चाहे तो इसे 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब 1 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है, इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक इस क्रीम के स्टिफ पिक्स ना बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस क्रीम के अब स्टिफ पिक्स बन चुके हैं, तो अब हम व्हिप करने का बंद कर देंगे। केक का जो मिडल का पार्ट होता है उसे सबसे पहले हम बॉटम पे रखेंगे और इसे अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक करेंगे। इस शुगर सिरप में मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस भी ऐड किया है। अब इस लेयर के ऊपर हमने जो क्रीम व्हिप की है उसे भी डालेंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश ना हो तो आप स्ट्रॉबेरी जैम भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर थोड़ी सी चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज भी डालेंगे और थोड़ा सा और क्रीम डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। केक का अब हम सेकेंड लेयर रखेंगे और वही प्रोसीजर हम वापस रिपीट करेंगे। इसके साइड्स में भी हम क्रीम लगाते जाएंगे ताकि जो भी गैप्स हो वो फिल हो जाए। फ्रेंड्स, एक बार वापस मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश ना हो तो आप स्ट्रॉबेरी जैम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम केक का 3rd लेयर रखेंगे और वही प्रोसीजर वापस रिपीट करेंगे। इस केक को अब हम अच्छी तरह से थोड़े से क्रीम से कवर कर लेंगे, इसे क्रम कोटिंग कहते हैं, और फिर इस केक को हम फ्रीज में 1/2 से 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। इस केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है, अब हम इसे फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे। ये केक अब अच्छी तरह से सेट करके हो चुका है, अब हम इसे केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर दिया है और इस क्रीम को पाइपिंग बैग में भर दिया है। अब हम इस तरह से इस व्हिपिंग क्रीम को केक पे लगाते जाएंगे। अब दूसरे पाइपिंग बैग में मैंने पिंक कलर की व्हिपिंग क्रीम बनाई है, उसे भी हम इसी तरह से लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर पैलेट नाइफ लेकर हम इस क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इवन कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई स्क्रैपर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने एक कोम टाइप का स्क्रैपर यूज़ किया है, उसे अब हम साइड्स पे डिज़ाइन कर लेंगे। आप चाहे तो साइड्स को प्लेन भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। केक के टॉप पर भी हम एक स्पून लेंगे और इस तरह से डिज़ाइन करते जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ एडिबल बॉल्स है सिल्वर कलर के, उसे भी हम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे बटरफ्लाइज भी है जो राइस पेपर से बने हैं, वो भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा ये कितना ब्यूटीफुल एगलेस स्ट्रॉबेरी केक रेडी है। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। इस केक को मैंने 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था, तो चलिए अब हम इसे कट कर देखते हैं कि ये केक कैसे बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये केक कितना इजीली कट हो रहा है, इसका मतलब है ये केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप इस केक को कोई भी ओकेशन के लिए बना सकते हैं, कोई बता भी नहीं सकेगा कि ये केक आपने घर पर बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करना ना भूले, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।